क्वेश्चन तुम ट्रिगोनोमेट्री का प्लीज़ देखें और समझें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि कि अगला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो टाइम बर्बाद न करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, केवल ये देखना है ये टेन का वैल्यू दिया है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, देन डिवाइड कर देंगे साइन और कॉस में, कॉस से डिवाइड द बोथ न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। प्लीज यहाँ पे जो डिवाइड करें तो हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बाय कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टू, और यहाँ पे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा प्लस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू वन दिया है, तो इसका टेन का वैल्यू का रख देंगे मान, तो टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस टू बाई टेन थीटा का वैल्यू वन प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई फोर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू फोर, देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स थीटा की जगह पे है तो एक्स का मान कितना आएगा। तो सिंपल है, सॉल्व ए हम लिखेंगे साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन, ये हम सिंपल सा ये एलसीएम लेंगे वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक मिनट, एलसीएम लेंगे तो कॉस वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू फोर। अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में उसके बाद कैंसिल हो जाएगा तब मालूम चल जाएगा, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई
वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू फोर आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो हो जाएगा टू साइन एक्स बाय वन वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इजक्ल टू होता है फार्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इजक्ल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इजक्ल टू फोर तो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए टू साइन एक्स इजक्ल टू फोर देन टू इजक्ल टू फोर साइन एक्स दैट्स मीन्स साइन एक्स इजक्ल टू टू बाई फोर इजक्ल टू वन बाई टू तो ऐसे निकल जाएगा एक्स इजक्ल टू साइन इनवर्स वन बाई टू इजक्ल टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू जो साइन का वैल्यू होता है तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी डिग्री आ जाएगा थर्टी डिग्री तो यही आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा थर्टी डिग्री।